हाय फ्रेंड्स, राम राम, खम्मा गणी, सबको सियाराम। आज हम जा रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित सामोद की पहाड़ियों पे, और वहाँ पर स्थित है एक ऐसा अनोखा मंदिर जो राजस्थान में ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रसिद्ध है। तो आज हम उस मंदिर के बारे में यात्रा तय करने वाले हैं, और मेरे साथ में है अरविंद भैया। तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे वो हाय हेलो कर दे। हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली हम अभी सीकर रोड पे खड़े हैं, और सीकर रोड है जयपुर के अगर चौमुपुलिया सर्किल से हम जाते हैं तो हमारे निकट स्कूल वाले सीकर रोड कहलाती है, और वहां से हम चौमू की तरफ भी जा रहे हैं, और वहां पे हम जाएंगे सामोद बालाजी जो कि बहुत प्रसिद्ध है, लोगों की मान्यता है, और वहां पे आपको आज हम पूरा टूर करवाएंगे कहां से होते हुए हम जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ का जो मुख्य दरवाजा गेट नंबर 1, यहाँ सामोद की जो वीर हनुमान मंदिर है, हनुमान टेम्पल है, वहाँ की सीमा स्टार्ट हो जाती है। यहाँ के मंदिर की जो मुख्य विशेषता वो ये है कि ये मंदिर बहुत पुराना है, 600 वर्ष ये पुराना है, और यहाँ पे जो अगर हम पहाड़ चढ़ के जब सीढ़ी चढ़ के जाते हैं तो वो सीढ़ियाँ तकरीबन 1100 सीढ़ियाँ यहाँ पे बोलते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप सीढ़ियाँ काउंट करने की कोशिश करेंगे लेकिन आप काउंट नहीं कर पाएंगे, लास्ट में जाके आप उसको मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे अभी तक देखा गया है, कोई भी इसको गिन नहीं पाया है, और यहाँ पे 2019 के अंदर एस्केलेटर स्टार्ट हो चुके हैं, जिसको हम उड़न खटवा भी हम बोलते हैं, कि वहाँ पे अगर कोई यात्री आते हैं उठने में प्रॉब्लम रहती है तो वो उसके द्वारा वहाँ तक दर्शन करने के लिए जा सकता है। तो आपको हम रूबरू करवाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, वहां तक हम चलेंगे, सीढ़ियों से हम ऊपर जाएंगे, कहां से क्या होता है, यहां का जो प्रसाद है वो क्या होता है, चूरमा दाल बाटी की यहां की जो प्रसाद है बहुत ही फेमस है, अगर यहां पे अभी कोई चूरमा दाल बाटी की प्रसादी हो रही है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, निवासी बने हुए हैं। बाबूजी राम राम। राम राम जी, आपका नाम क्या है? नानकराम धोबी। बाबूजी आप बता सकते हैं कि ये मंदिर कितना वर्ष पुराना है? हाँ बता सकते हैं, ये कम से कम 800 वर्ष पुराना है। 800? दोस्तों मैंने आपको बताया 600 वर्ष, लेकिन ये 800 वर्ष पुराना है, अब इसको करेक्ट आप कर सकते हैं। बाबूजी जयपुर बसो जी का 2 साल पहले, जयपुर की जो मतलब यहाँ पे जयपुर बसा था उससे भी 2 साल पहले का ये मंदिर है। बाबूजी
लिए बहुत सुविधा ये हो चुकी है। तो चलिए अब नीचे उतरने का समय आ चुका है। चढ़ाई करके लाना बहुत मुश्किल टास्क है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ का भाषा इसको बोलते हैं, ये स्थानीय एक खाने की वो चीज़ है, बहुत अच्छी लगती है। नमकीन यहाँ पे ये बेच रहे भैया, तो आपको सैल्यूट है कि आप इतने दूर तक अपनी चढ़ाई पे लेके आते हैं, बहुत बढ़िया बात है। इनके साथ भैया बने हुए हैं, वो भी शायद इनकी हेल्प करते होंगे। तो चलिए भैया, थैंक यू। हनुमान जी के दर्शन हम करके आ चुके हैं और अब रास्ते में है पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो कि इधर जो रास्ता जा रहा है उस पे है। कुछ भाई लोग हमें मिले हैं, वो सबसे पहले तो जयकारा लगाना चाहते हैं हनुमान जी महाराज की। सर आप कहाँ से हैं और किस साइड जा रहे हैं? सर हम है यहाँ रेणमाल से, पंचमुखी के लिए जा रहे हैं ना, पंचमुखी जी दर्शन करने के लिए। आप सभी वहीं पे जा रहे हैं? वहीं जा रहे हैं। तो यहाँ से कितना दूर होगा आप ट्रेकिंग? अब डेढ़ किलोमीटर है। डेढ़ किलोमीटर बिल्कुल चढ़ाई है, है ना? चढ़ाई है। तो देख लो पहाड़ों पे है और ट्रैकिंग है, सीढ़ियां हैं, ऊपर जाके फिर ढलान भी है, मतलब ऊपर जाके फिर वापस नीचे आपको उतरना पड़ेगा। तो पूरा ट्रैक है ना जो पहाड़ों पे है, और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो डेफिनेटली आप थोड़ा टाइम लेके आना, क्योंकि पहले हनुमान जी दर्शन करने, उसके बाद में पंचमुखी हनुमान भी है जो पास में है, और बहुत महिमा है यहाँ के मंदिर की। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक बार आओ दर्शन करो। बहुत थकान हो चुकी है और एक जूस की दुकान पे हम जूस पी रहे हैं, मैं और सागर सर, क्योंकि मंदिर की परिसर में हम दर्शन करके आ चुके हैं, चढ़ाई करके आए हैं बहुत सीढ़ियों के बल, और काफ़ी जो यहाँ पे श्रद्धालु है, जो भक्तगण आए हुए हैं, वो भी यहाँ पे काफ़ी दर्शन करने के बाद दर्शन लाती थी, लेकिन शारीरिक रूप में एनर्जी है वो बहुत ज़रूरी है। अभी अभी आपको अरविंद सर ने बताया, तो वही हम शारीरिक एनर्जी ले रहे हैं यहाँ पे। सागर सर आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि इतनी ऊंचाई चढ़ के जो गर्मी है बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि राजस्थान में अभी उमस का टाइम चल रहा है, बारिश नहीं हुई है, और सीढ़ियाँ लगभग 800 से 1100 सीढ़ियाँ यहाँ पे है जो हम चढ़ के आए हैं। चढ़ाई बहुत ऊपर है और एस्केलेटर सभी बंद है, क्योंकि किसी कारण से यहाँ पे अभी उनके ऊपर मतलब काफ़ी काम चल रहा है, बंद है। और सीढ़ियाँ या ट्रैकिंग दो ही रास्ते यहाँ पर है, तो हम सीढ़ियों के रास्ते से यहाँ पे आए हैं, दर्शन हमने किए हैं, प्रसाद चढ़ाया है। लोग जो यहाँ पे जयकारा लगाते हुए आ रहे हो तो एक अलग ही एनर्जी आती है। उसके अलावा लोग यहाँ पे सवामनी करके आते हैं, सवामनी एक सामूहिक कार्यक्रम होता है जिसमें लोग यहाँ पे प्रसाद करते हैं दाल बाटी चूरमा, जो कि राजस्थान का फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना था, अब नीचे चलेंगे, नीचे चढ़ाई करके आगे अब वापस उन्हीं सीढ़ियों पे बस हमें उतरना है, नीचे जाना है, तो चलिए चलते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम जी। जय श्री राम बाबूजी, जय सिया राम बाबूजी। ऊपर चढ़ जाओगे मंदिर तक? भक्ति की है क्या आस्था है ये? ये शक्ति देती है भक्ति, है ना? जय श्री राम। हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, आप देखेंगे तो ये ऑडियंस है और बिल्कुल नीचे हम आ चुके हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ही वो रहा, थोड़ा गर्मी भी लगी, थकान भी ऊपर चढ़ने में, फिर नीचे चढ़ने में जो पैर के झंझनाहट सी ऐसे हो रही है, लेकिन आनंद बहुत आया, मजा बहुत आया। हमने वहाँ पे एक जो भक्ति की एक शक्ति होती है वो डेफिनेटली हमारे अंदर आई और हम इतने ऊपर चढ़ पाए और नीचे आ गए। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ का दाल बाटी जो चूरमा है वो फेमस है, वो कैसा लगता है, कितने तरह का होता है। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ। राजस्थान की जो दाल बाटी चूरमा है उसके लिए कच्ची रसोई यहाँ बनाई जा रही है, जिसके अंदर चूरमे के लिए जो बाटी से बड़ी आकृति होती है बाटी से की जा रहे हैं, दाल यहाँ पे बन रही है, कढ़ी यहाँ पर बन रही है जिसको हम करी बोलते हैं, और बाटी यहाँ पे बन रही है, दाल बन रही है, और चूरमा तैयार होने के लिए कच्ची रसोई यहाँ पे बन रही है। तो बना हुआ चूरमा और बाटी और दाल कैसे दिखते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स हम एक जगह पहुंचे हैं जहाँ पे प्रसादी, यहाँ की जो सामोद बालाजी है, यहाँ की प्रसादी फेमस है दाल बाटी चूरमा, जो कि राजस्थान का फेमस फूड है। ठीक है,
तो भैया हमारे साथ है, इन्होंने यहाँ पे प्रसादी का कार्यक्रम आयोजित किया है और काफ़ी यहाँ पे श्रद्धालु भक्तगण आए हुए हैं तो प्रसादी ले रहे हैं। तो मैं आपसे इन लोगों को कहूँगा कि जो दाल बाटी चूरमा है वो दिखाएं, ये बिल्कुल कैसा दिखता है। ये दाल बाटी चूरमा है, दाल अंदर है और ये चूरमा है, ये बाटी है, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आप खाते हैं तो आप डेफिनेटली दोबारा खाना इसको पसंद करेंगे, बहुत फेमस है यहाँ का दाल बाटी चूरमा। तो फ्रेंड्स हम ऊपर चढ़ के आ चुके हैं और दर्शन हमने कर लिए, उसके बाद में हमने चूरमा दाल बाटी की प्रसादी ले चुके हैं। अब हमारा तो यहाँ से आज का ब्लॉग इतना ही था और आपसे मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, कि जो हनुमान जी के भक्त हैं उनको तो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और